देखिए, आज एक और फिर से उम्मीद जगी है। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे थे। आज पांचवा दिन है और पांचवें दिन फिर से उसी बच्ची की बॉडी तलाश की जा रही है। ये चरी है, चरी का वो खदान जिसको लेकर लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। कल हम बच्ची के घर भी गए थे, माता पिता से मिलने के बाद तस्वीरें और भी दुखदाई हो गई थी। बहुत दर्द था इस बात को लेकर कि समय बीत रहा है, चार दिन कल हो गए थे और पांचवा दिन है, बॉडी बच्ची की नहीं मिली थी। उनका कहना था कि हर हालात में, किसी भी हालात में, सिर्फ और सिर्फ उनको बच्ची की बॉडी चाहिए। 8 साल की बच्ची जो इसी खदान में डूब गई थी 8 तारीख को, आज 12 तारीख है, पांचवा दिन है। आप समझिए कि 96 घंटे अभी कुछ देर में हो जाएंगे, 96 घंटे होने वाले हैं। और फिर से देखिए, यहाँ पर पूरे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर पहुंच गए हैं। NDRF की टीम ने भी काफी कोशिश की थी, लेकिन कल उन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिया था। और फिर से आज जो ये गोताखोर आपको दिख रहे हैं, कुछ लोग जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, आपको बता दें ये तमाम लोग जो हैं ये बोकारो से आए हैं। बोकारो की टीम है, प्राइवेट टीम है, बोकारो के गोताखोर हैं, जो कि फिर से एक बार प्रयास कर रहे हैं उस बच्ची के लिए, जिसके लिए पूरा ये जो स्थानीय जो लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, सारे लोग के लिए बहुत दुख की घड़ी है। जब हम उनके घर गए थे, उनके माता पिता से मिले थे, तमाम लोगों से, उनके पड़ोसियों से मिले थे, तो सबका एक ही बात था कि किसी भी हालात में बच्ची की बॉडी चाहिए। फिर से कोशिश की जा रही है, स्थानीय लोगों ने भी काफी प्रयास किया था, लेकिन बच्ची की बॉडी रिकवर नहीं हो पाई थी। ये आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर, आपको बता दें ये गोताखोर जो पहुंचे हैं ये बोकारो से पहुंचे हैं। NDRF की टीम ने 2 दिन तक लगातार मशक्कत की थी, लेकिन बॉडी उनको नहीं मिला। उसके बाद हम कोशिश करेंगे, यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं उनसे हम बात करेंगे। पता चला उनका काफी अहम प्रयास है, और घर वाले से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने भी बताया था कि मुखिया जी काफी सहयोग कर रहे हैं। देखिए, आप कैमरे में देख सकते हैं कि एक जो गोताखोर हैं वो अभी अंदर जाएंगे। वो देखिए, आप सामने दिख रहे हैं आपको, और बच्ची की तलाश लगातार जारी है इस खदान में। चरी का 42 नंबर ये खदान है, तापिन, ये कोल परियोजना के अंतर्गत आता है। और घर की जो स्थिति कल थी वो बहुत दुखदायी थी, बहुत गरीब परिवार है, दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाले हैं। माता पिता जो उनका घर चलता है सिर्फ दिहाड़ी पर चलता है, कुछ कमाते हैं तभी खाते हैं। तो आप सोचिए कि इस स्थिति में वो कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे होंगे, कोई काम भी नहीं कर पा रहे होंगे। और उनका कहना था, हमने ये भी कहा था कि कोई मदद के लिए अगर किसी से आह्वान करना है, कुछ मदद की जाए, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था कि कोई मदद नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें बच्ची की बॉडी चाहिए। तो अभी आप देखिए, सब लोग ये यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्ची की बॉडी निकल जाए। जो अंतिम संस्कार होता है, उस बच्ची की अंतिम संस्कार जो रीति रिवाज के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ जो होती है, जो परंपरा है, उसी उसी की एक अंतिम इच्छा है जो परिवार की बची है। मां रो रही थी, पिता बहुत मायूस थे, और तमाम पड़ोसी, जितनी महिलाओं से हम बात कर रहे थे, वो सभी लोग परेशान थे। देखिए, फिर से वही तस्वीरें हैं। पांचवा दिन है, 96 घंटे हो जाएंगे। 8 तारीख दोपहर 1 बजे की घटना है। 1 बजे इसी खदान में बच्ची अपने माँ के साथ आई थी, अपनी बहन के साथ आई थी, और पता चला कि पानी नहीं चल रहा था उनके घर में, पानी नहीं आ रहा था, पानी की भी समस्या है यहाँ पर, तो मजबूरन उनको यहाँ पर आना पड़ा था। माँ ने सारी बात बताई थी, आप वीडियो को देख सकते हैं, पुराने हमारे वीडियो में, कल के वीडियो में देख सकते हैं, जब हम माँ से बात कर रहे थे उन्होंने पूरी घटना को बताई। देखिए, अंदर गए हुए हैं, गोताखोर अंदर में है, और उम्मीद है कि आज बच्ची को जो बॉडी है उसको रिकवर कर लिया जाएगा। कितना लोग अंदर में है अभी, कितना गोताखोर गया? एक ही है ना। ये सामने आपको 4 लोग नजर आ रहे हैं, एक गोताखोर अंदर में है। ये बोकारो से आई हुई टीम है, गोताखोर की टीम है, जो रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं।
पिछले 1-1.5 घंटे से इनकी कोशिश जारी है। बोकारो से आज ही पहुंचे हैं, दो दिन तक आपको बता दें, 8 तारीख की घटना है। 8 के बाद देखिए ऊपर की तरफ गोताखोर आ रहे हैं, उनको रस्सी जो है आप देख रहे होंगे खींचते हुए, जो उनके साथी हैं। स्थानीय लोगों का भी प्रयास इसमें बहुत रहा है और बहुत दुख की घड़ी है पूरे इस क्षेत्र के लिए, जब 5 दिन के बाद बच्ची की बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। आप देख रहे हैं गोताखोर अभी आपको नजर आ रहे हैं, जो अभी पानी के अंदर थे। कल हम घर में थे, उस बच्ची के घर में थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। 5 दिनों से बॉडी इसी खदान में फंसी है। बड़ी हिम्मत करके उनके माता पिता से बात करने गए थे, तो उनका यही कहना था कि हर हाल में बच्ची की बॉडी चाहिए। उन्हें सरकार से अनुरोध कर रहे थे, टीम के लिए बात कर रहे थे। बहुत गरीब है तो उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो साधन जुटा सके। देखिए एक गोताखोर अभी वहां पर जा रहे हैं। ये बोकारो के गोताखोर की टीम है जो बच्ची की तलाश कर रहे हैं, जो 5 दिन से इसी खदान में फंसी। आज 5वां दिन है, 8 तारीख 1 बजे की वो दुखदाई घटना। 96 घंटे होने वाले हैं, बच्ची की बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। एनडीआरएफ की टीम भी लगी थी, एनडीआरएफ की टीम 2 दिनों तक तलाश करने के बाद वो नहीं ढूंढ पाई, फिर वो चले गए। उसके बाद की ये तस्वीर है जब फिर से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। कल हम माता पिता से बात करने गए थे उनके घर में, सिर्फ और सिर्फ उनका यही कहना है कि बच्ची ला दीजिए, हमारी बच्ची की जो बॉडी है उसे हमारे पास ला दीजिए। बस उनकी यही एक आरजू थी, यही एक विनती थी, यही एक प्रार्थना थी जो वो बार बार कर रहे थे। और तमाम लोगों से जब हम बात कर रहे थे तो उनका भी यही कहना था। बहुत सारी महिलाएं थी, बहुत दुखी थी, रो रही थी सभी। अब गरीब का जो दर्द है वो तो दिखता ही है, उसको लेकर ही हमने तमाम वो बातें कही थी, वो वीडियो बनाया था कि ताकि इनकी मदद हो सके। और आज कुछ ये तस्वीर है जहां पर ये मदद मिल रही है। हम वो भी कोशिश करेंगे, यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं उनसे बात करेंगे किस तरीके से वो मदद पहुंचा रहे हैं। अंदर में गोताखोर हैं, लगातार अंदर बाहर वो पानी के जा रहे हैं और कोशिश हो रही है कि बच्ची को तलाशा जाए। आप ये बोट पर सवार देख रहे हैं जो टीम बोकारो से पहुंची है गोताखोर उस बच्ची की तलाश में। 5वां दिन है, हम वो भी तस्वीरें दिखाएंगे जब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं। जब भी गोताखोर पानी के अंदर से बाहर आते हैं तो शायद बच्ची को लेकर आए। तो ये आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जमा हैं, और लगातार ये हर दिन आते हैं, इसी तरीके से आते हैं। ये आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मायूसी इनके चेहरे पर नजर आती है। स्थानीय लोग हैं,
काफ़ी तकलीफ़ वाली बात है, एक गरीब की बच्ची जो इस दुनिया में अब नहीं है। देखिए सब मायूस हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बॉडी उस बच्ची के मिल जाए। देखिए हर जगह आपको लोग नज़र आएंगे, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये चरी है, चरी का 42 नंबर खदान जो तालाब का रूप ले चुका है, इसी में बच्ची डूब गई थी नहाने के क्रम में। आप ये देख रहे हैं, हर जगह लोग आपको नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी काफी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। देखिए हर जगह आपको लोग नजर आएंगे, बहुत ये दुख देने वाली खबर है, पीड़ादायक खबर। हम स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे, आप इंतजार करें उस चीज के लिए, वो हर पल का इंतजार उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि अब बच्ची आ जाएगी बाहर, जो बॉडी है अब रिकवर हो जाएगी, अब गोताखोर लेकर आ जाएंगे। तो उसी उम्मीद में, उसी इंतजार में ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए ये वही खदान है, काफी लंबा चौड़ा है ये खदान, और आप देखिए प्रयास जारी है, प्रयासरत हैं बोकारो से आए गोताखोर। एनडीआरएफ ने 2 दिन तक यहाँ पर जो सर्च अभियान था वो किया, उसके बाद कल उनका अभियान बंद था, फिर आज से यह अभियान शुरू हुआ है, 5वां दिन है। हमको लगता है कि इसमें हिल रहा है थोड़ा कैमरा। सबको देखिए ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि जब ये गोताखोर जा रहे हैं तो बिल्कुल सतह पे जा रहे हैं, पानी के अंदर बिल्कुल निचले स्तर पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां से वो कुछ लेकर आ रहे हैं मैट, अभी थोड़ी देर पहले ये मैट निकाल कर आए थे, तो बिल्कुल नीचे ये जा रहे हैं। तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि पूरी संभावना है कि बच्ची की बॉडी ये निकाल कर लेकर आएंगे। अभी कुछ देर पहले ये कुछ ना कुछ ये जब भी अंदर से जा रहे हैं कुछ लेकर निकाल रहे हैं, ला रहे हैं। उम्मीद है कि 5वां दिन जब ये चल रहा है और बॉडी की निकलने की उम्मीद, जो हर लोग बैठे हैं यहाँ पर, अभी जो हमने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप कल की वीडियो देखेंगे तो आप बड़े मार्मत होंगे, तकलीफ होगी आपको, बहुत दुख होगा। कल हम उस बच्ची के घर गए थे, माता पिता से मिले थे, उनसे हम बात कर रहे थे, तमाम वो जो बातें थी वो पीड़ा देने वाली बातें थी, जहाँ सिर्फ वो मजबूरी दिखती थी, मुफलिसी दिखती थी, वो तकलीफ दिखती थी, और वो सब इसलिए दिख रहा था कि वो गरीब है, वो कहीं ना कहीं वो दिखता था कि शायद स्थिति अच्छी होती तो, या फिर पैरविकार होते, कुछ अच्छा होता तो उनके लिए बहुत लोग खड़े होते, और इस तरीके से ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए फिर से एक बार गोताखोर बाहर आ रहे हैं, देखिए आप रस्सी खींच रहे हैं, उनके जो साथी जो बोट पर सवार है, ये चरही का वो खदान है जिसमें 8 तारीख को बच्ची नहाने के क्रम में डूब गई थी। माँ से जब हमारी बात हो रही थी तो दोनों बच्चियां डूब रही थी उनकी, एक को तो उन्होंने किसी तरीके से बचा लिया लेकिन दूसरी इसी में समा गई, इसी खदान में रह गई। 8 तारीख की घटना थी और आज 12 तारीख है, 5वां दिन है, 96 घंटे होने वाले हैं और 96 घंटे से उस बच्ची की बॉडी इसी खदान में है।
देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वही लोग हैं, वही टीम है जो यहाँ पर पहुंची है। ये तमाम लोग बोकारो से आए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, थोड़ी देर में हम बात करने की कोशिश करेंगे। और पता चला है कि बड़े अच्छे ये गोताखोर हैं और अनुभव भी इनका काफी अच्छा है, तो उम्मीद हम कर सकते हैं। ये देखिए गोताखोर आपको नजर आ रहे हैं। फिर देखिए अंदर जा रहे हैं, लगातार वो अंदर बाहर जा रहे हैं। और आपको ये भी समझना पड़ेगा ना कि गोताखोर की जो जो जिंदगी है या फिर जो काम है वो बहुत आसान नहीं है, अंदर में बहुत प्रेशर होता है। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो ये पता चला था कि अंदर इतना प्रेशर होता है कि जैसा लगता है कि उनका कान फट जाएगा, इस तरीके की भी अंदर में वो पूरी स्थिति बन जाती है। देखिए फिर से अंदर गए हैं, वो रस्सी आप अंदर जाता हुआ देख रहे हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। गोताखोर अंदर जा रहे हैं उस बच्ची की तलाश में जो 5 दिनों से इस तालाब के इस खदान के अंदर अंदर है उसकी बॉडी। देखिए हर बार जब बाहर गोताखोर आते हैं तो उम्मीद हर किसी की उम्मीद इस बात को लेकर लग जाती है कि शायद इस बार वो बच्ची की बॉडी लेकर बाहर आ रहे होंगे। अंदर में है गोताखोर, कोशिश जारी है बच्ची की बॉडी रिकवर करने की। बोकारो से आए गोताखोर इस चरी के खदान नंबर 42 के अंदर हैं और तलाश कर रहे हैं। बार बार गोताखोर पानी के अंदर जा रहे हैं, सतह तक जा रहे हैं और वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं जिसमें बॉडी रिकवर हो सके। क्या? हाँ उम्मीद पे दुनिया कायम है और आज तो सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि इस दुखद घटना में जिसमें सभी मर्माहत हैं, सभी को तकलीफ है, सभी को दर्द हुआ है, बच्ची जो 8 साल की बच्ची इसी खदान में समा गई, उसकी बॉडी जो तलाश करने को लेकर जो कड़ी मशक्कत आप देख रहे हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर भी गए थे, उनके माता पिता से भी मिले थे, जो हर जगह दर्द और तकलीफ ही दिखा है। अब आप सोच सकते हैं वो तकलीफ कैसी होगी जब बच्ची तो अभी दुनिया में नहीं है, उसकी बॉडी भी नहीं मिल रही है, तो घर पे क्या बीत रहा होगा, उसके माँ पिता पर क्या बीत रहा होगा, किस तरीके से वो रह रहे होंगे। देखिए
एक एक गोताखोर हैं जो टीम में हैं। लगातार कोशिशें इनकी है आपस में सामंजस्य बनाकर रणनीति के तहत वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं जिसमें बॉडी के नजदीक पहुंचा जा सके या फिर बॉडी को रिकवर किया जा सके। एक उनका बंदा लगातार पानी के अंदर जा रहा है, वो आप देख ही रहे हैं। फिर से वो पानी के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, अभी बाहर आए थे फिर अंदर वो जा रहे हैं, आपने देखा होगा अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। आपको फिर से बता दें, ये जो घटना है ये हजारीबाग चरही के खदान नंबर 42 की है, जिसमें आप वो टीम देख रहे हैं जो बोकारो से पहुंची है, गोताखोर की टीम। एनडीआरएफ ने भी 2 दिन कोशिश की है लेकिन बच्ची को वो तलाश नहीं कर पाई, उसकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाई। अब जब एनडीआरएफ की टीम चली गई तो बॉडी रिकवर करने के लिए बोकारो से प्राइवेट पैसे देकर जो भी होता है इनको बुलाया गया है और ये तलाश कर रहे हैं। इनके जो इन्होंने पहना है उस पर JPRD खेत को लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पानी इतना ठंडा है ना। क्या सर, क्या देख पा रहे हैं अंदर में? दिखाई देता अंदर में क्या? नजर नहीं आता, पानी बहुत गंदा है। देखिए, जब हम इनसे पूछ रहे हैं, ये अभी जो गोताखोर हैं जो आए हैं, पानी जो है ऑब्वियस सी बात है, जो नीचे जा रहे हैं तो बहुत ठंडा है, बहुत प्रेशर अंदर में आ रहा होगा ना। ये बोले बहुत प्रेशर है। और जो बातें लगातार हम आपको बता रहे थे, जब NDRF की टीम भी आई थी, विजिबिलिटी नहीं है, देखना बहुत मुश्किल है, पानी के अंदर दिखाई नहीं देता। कोशिशें जारी है, कड़ी मशक्कत ये कर रहे हैं क्योंकि जो दिख रहा है पानी के सतह में ये जा रहे हैं, पानी से कुछ ना कुछ अंदर से लेकर आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल पानी के नीचे जा रहे हैं, निचली स्तर तक ये पहुंच रहे हैं। कितना गहराई तक गए हैं अभी? 40 फीट, 40 फीट तक अभी ये गए हैं अंदर में। आपको बता दें, जहां से तस्वीरें आप देख रहे हैं ये खदान, उधर ज्यादा है 40-50 फीट। अच्छा, आप अंदर गए थे ना? अच्छा, आप नहीं गए थे। देखिए, वो कांप रहे हैं, जो ये आपको नजर आएगा, ये भाई साहब अभी अंदर से बाहर आए हैं और लगातार ये अंदर बाहर जा रहे हैं। बस बस, हाँ, जैसा ये बता रहे हैं, पानी बहुत ठंडा है, बहुत प्रेशर है, बहुत दबाव है, ठंडा के वजह से पानी बहुत ज्यादा प्रेशर बना, बहुत प्रेशर, बहुत ज्यादा, इसको पकड़ लीजिए।
बहुत प्रेशर बना रहा है, क्या दिक्कत क्या आ रहा है? दिक्कत यह है पानी एकदम फ्रीज से भी ज्यादा ठंडा है, फ्रीज से भी ज्यादा ठंडा है। पानी ज्यादा ठंडा होने के कारण कान में प्रेशर ज्यादा बना रहा है। हाँ, गोताखोर तो नीचे चल जा रहा है, सतह तक पहुंच रहा है, लेकिन ज्यादा देर खोज नहीं पा रहा वही प्रेशर के चलते, मतलब जल्दी वापस जाना पड़ रहा। हाँ, प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो आप लोग ये चीज का जानकारी ले लिए कि बॉडी इसी आसपास में है, उसके बाद यहीं ढूंढ रहे हैं, क्या लगता है, मतलब आप लोग का अनुभव क्या कहता है कि बॉडी छोटी बच्ची है कहां तक जा सकता है? ये जगह ऐसे है, ऐसे डॉन और बीच में हम लोग करीब वही 30 से 40 फीट तक जो भी है वहां कम से कम इतना कीचड़ है। अच्छा, हाँ कीचड़ भी है, हो सकता है बॉडी बैठ गया, जमीन छोड़ा नहीं है अभी तक, छोड़ भी सकता है, छोड़ने के बाद तो फेंक ही देगा ऊपर आ जाएगा। 5 दिन के बाद तो बॉडी डीकंपोज। पानी बहुत ठंडा है, ठंडा है। हाँ, पानी बहुत ठंडा है, ठंडा के कारण बॉडी इतना जल्दी, कम से कम 8 दिन 10 दिन भी टाइम लग सकता है ठंडा होने के। हाँ, ठंडा होने के बाद पानी अगर यही गर्म रहता तो 24 से 36 घंटा में ये ऊपर आ जाए। क्या है उम्मीद किस तरीके से आप लोग? देखिए प्रयास में तो लगे हैं, पूरी कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या करते हैं इसमें? अभी तो जब डीप डाइविंग से ही अभी हम लोग देखे और क्या प्लस झगर लगा के खोज लिए और बिना ऑक्सीजन में भी इधर उधर साइड में, जैसे उधर उधर भी पूरा देख लिया गया है, उधर भी कुछ नहीं वैसे समझ में आया। अंदर में लोहा लक्कड़ भी बहुत है। हाँ है ना, यहाँ पे है, आप लोग के लिए खतरा भी है थोड़ा? बहुत खतरा है, अभी 2 आदमी के पैर में चोट भी लगा, चोट भी लगा। लेकिन आप लोग पूरा जमीन के नीचे जा रहे हैं? हाँ, नीचे एकदम लेयर पे जा रहे हैं, एकदम नीचे सतह तक 40-50 फीट तक गए हैं, एकदम गए हैं। देखिए ना, वो तो निकाल के रखे हुए हैं वहाँ से। मतलब आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें हो सकता है जिसमें बॉडी रिकवर नहीं हो पा रहा है? बच्ची का बॉडी हो सकता है कहीं फंस जाए, जैसे ऐसा ऐसा पत्थर भी है बड़ा बड़ा। हाँ, बड़ा बड़ा बोल्डर है क्या लोग बता रहे? नहीं नहीं, वैसा तो अभी तक नहीं बताए कि खो टाइप का है, लेकिन पत्थर बहुत ज्यादा बता रहे हैं, पत्थर बड़ा बड़ा, हो सकता है कहीं जाके अटक गया। मछली का अंदाजा लग रहा है क्या? नहीं, मछली तो अभी तक नहीं बोला है, मछली का अंदाजा नहीं लग रहा है, मछली नहीं बता। बोकारो की टीम है जी। कितना बॉडी रिकवर आज तक आप लोग कर? अभी तक हम लोग करीब ये 2012 से काम कर रहे हैं और नहीं तो 50-60 बॉडी हम लोग मृत निकाल चुके हैं और जीवित भी निकाले हैं 10-15। कितने लोग हैं टीम में? हम लोग का टीम में 12 लोग है। ये ऑपरेशन कितना लगता है, मुश्किल लग रहा है आप लोग? हाँ, मुश्किल तो है। किस लिहाज से मुश्किल बोल रहे हैं? दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता है, प्लस ठंडा पानी बहुत, पानी ठंडा, प्रेशर बहुत ज्यादा बना रहा है। मतलब वो आपको जो समय नीचे देना होता है वो नहीं दे पा रहे हैं, ऊपर आ जाना पड़ रहा है, जो ढूंढना होता है वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो हाथ से ही देखते होंगे जब पानी? हाँ, हाथ से टटोलते होंगे, हाथ से पैर से, जैसा उसको समझ में आए अंदर में, जैसा उसको समझ में आएगा। जैसे एक तो है हम लोग के यहाँ लाइफ लाइन, वो तो हाथ में पकड़ के रखना है, दो हाथ, दो एक हाथ दो पैर फ्री है, वही से 10 फीट के डिफरेंस में खोज रहा है डिस्टेंस, मतलब वही गोल से आप लोग घूम जाते हैं। हाँ, 10 फीट का डिस्टेंस रोप बना हुआ है, वही रोप पकड़ के 10 फीट इधर 10 फीट इधर, मतलब चारों तरफ 10-10 फीट करके खोजा जा रहा है। माँ बाप को सिर्फ यही उम्मीद है, बच्ची तो चली गई, हम लोग को भी यही उम्मीद है। हाँ, मिल जाए, उम्मीद है कि आप लोग पूरा मेहनत करके कोशिश करेंगे, कोशिश इंशाल्लाह, कोशिश ही कर सकते, दुनिया कायम है कोशिश में ही, और कोशिश लोग करेंगे। जितने तमाम लोग यहाँ बैठे हैं वो तो हम भी पूरे, पूरे, पूरे 4 दिन से देख रहे हैं हम लोग भी, बस उनको यही उम्मीद है कि बच्ची मिल जाए, उसके लिए आप लोग पूरी मेहनत करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे। चलिए धन्यवाद। ये देखिए हम उनसे बात कर रहे थे और ये बात करना जरूरी था ये समझने के लिए कि किस तरीके से बच्ची को ढूंढ रहे हैं और क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं। तो सारी बातें आपने सुनी है, जो उम्मीद है माता पिता को सिर्फ इस बात की कि जब गए हैं तो बॉडी निकालकर शायद इस बार लेकर आ जाए, और हर बार यही उम्मीद है जितनी बार जा रहे हैं कि शायद इस बार लेकर आ जाए। मुश्किलें आपने सुनी है, पानी बहुत ठंडा है, उसकी वजह से पानी के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है, यानी कि समय नहीं दे पा रहे हैं, समय देकर जो उनको ढूंढने का जो काम है वो वक्त बहुत कम होता है, इसलिए पानी के बाहर वो बहुत जल्द आ जा रहे हैं। ठंड होने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो कान पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, बॉडी के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। आपने देखा भी कि किस तरीके से वो ठंड की वजह से कपकपा रहे थे, जो इनके डीप ड्राइवर थे, गोताखोर थे, उनको बाहर आना पड़ जा रहा है। तो अभी हम गोताखोर से बात कर रहे थे जो कि बोकारो से यहाँ पर पहुंचे हैं। नहीं
चलिए वही बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी उम्मीद को लेकर तमाम लोग बैठे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। जो बुरा होना था वो तो हो ही चुका है, सबको पता है कि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं। इसको पकड़ना तो लगा ले। आपने गोताखोर को भी सुन लिया और वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमने उनसे भी कहा कि बस माँ पिता को सिर्फ यही एक इच्छा है, बेटी तो खो ही चुके हैं, बॉडी उस बच्चे की मिल जाए। उन्होंने कहा है पूरी हमारी कोशिश है और दिख भी रहा है, वो सतह तक जा रहे हैं। जो मुश्किल है वो आपने सुना, पानी बहुत ठंडा है, नेचर पानी का है जो बहुत ठंडा है, उसकी वजह से उनको बाहर बहुत जल्द निकलना पड़ता है। तो समय है, जो वक्त है वो पानी के अंदर वो नहीं दे पा रहे हैं। देखिए एक बार आपको हम वो तस्वीर फिर से दिखा देते हैं जहां पर लोग अभी भी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हर जगह लोग आपको नजर आएंगे। ये एक बार वो तस्वीर आप देख लीजिए, ये हजारीबाग कचहरी वो क्षेत्र खदान जो हम दिखा रहे थे आपको बार बार, और ये लोग जो यहाँ पर आए हैं, जो लोग देख रहे हैं कि बच्ची किसी तरीके से रिकवर हो जाए, ये तमाम लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए जो आपको नजर आ रहे हैं। काफी दूर दूर से भी लोग देख रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। और काफी संख्या में महिलाएं हैं जो बैठी हैं इस दुखद घड़ी में। देखिए हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तमाम लोग बैठे हुए नजर आपको आएंगे। चलिए आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और हमारी भी प्रार्थना है भगवान से कि बॉडी रिकवर हो जाए, माता पिता को बॉडी मिल जाए। घर पे जाने के बाद जो स्थिति है, जो हमने देखी है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस तकलीफ को वो माता पिता ही समझ सकते हैं जो तकलीफ हमने कल देखी है। लगातार जो गोताखोर हैं कोशिशें उनकी जारी है, अंदर बाहर वो लगातार आ रहे हैं पानी से। आगे की अपडेट के लिए बने रहें, आगे की भी तस्वीर आपको हम बहुत जल्द दिखाएंगे।